hi everyone. another pattern change in rbi grade b examination this year. well, uh, there have been a lot of rumors around it, and i have already covered a video wherein i have talked about all these rumors, ki ho sakta could change his home. but today i am here to talk about something else uh, connected with the change in pattern, but a different change in pattern. this year's uh, nabard examination, the descriptive part in phase 2, or mains, had a different set of questions. तो देर आर टू सेक्शंस नॉर्मली द फर्स्ट सेक्शन हैज़ थ्री क्वेश्चंस जिसमें से कि आपको दो लिखने होते हैं सिमिलरली सेकेंड सेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव हैज थ्री सेक्शन जिसमें से कि आपको दो लिखने होते हैं वॉट नबार्ट डिड वॉज क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन फोर दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बोथ द सेक्शंस वो मेड मैंडेटरी इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आए हैं दे शुड बी गेटिंग सेलेक्टेड द चॉइस शुड हैव सम

जो स्टूडेंट्स uh, और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं दे जस्ट कम इन एंड राइट एग्जाम्स एंड गेट सेलेक्टेड उनका नंबर कम हो सकता है देर आर चांसेस बिकॉज देर नॉट थॉरली प्रिपेयर दे यूज देयर पास नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज टू राइट अ राइट डीज एग्जामिनेशनस एंड क्लियर देम ये हो सकता है नंबर थोड़ा सा कम हो जाए तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं आर के लिए या किसी भी और एग्जाम के लिए विच अ सिमिलर पैटर्न तो थर्ली प्रिपेयर करें अच्छे से प्रिपेयर करें सो so दैट